हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमी स्प्राइट। दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी का दिन, तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है किचन से, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं गणेश जी के फेवरेट मोदक। ये जो मोदक हैं ये बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। मेरे बेटे को पर्सनली मोदक खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज इस मोदक की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इंस्टेंट मोदक बनाने वाले हैं। शुगर के लिए हमें कोई पाउडर या चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम फ्लेवर्ड मोदक बनाएंगे, यानी कि चॉकलेट फ्लेवर के मोदक आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो नया अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, गाइज, देन डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इंस्टाग्राम पर हम जनरली क्विक अपडेट शेयर करते हैं, इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप हमें फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स से। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर। अगर मैं ग्राम्स में बताऊँ तो 200 ग्राम्स मिल्क पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क, ये रूम टेम्परेचर पर ले लिया है मैंने बॉईल करके। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है शुगर। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ली है। ज़्यादा शुगर का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज़ मिल्क पाउडर में ऑलरेडी स्वीटनेस होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा कोको पाउडर, बिकॉज़ हम चॉकलेट मोदक बनाने वाले हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हो, 1 चम्मच हमें यूज़ करना है। इसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर आलमंड्स, जो कि हम फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। इन सब के अलावा हमें 2 चम्मच घी की भी ज़रूरत होगी, जो कि हम इनिशियल फेज़ में डालेंगे। तो अब हम आ चुके हैं स्टोव की तरफ। फ्लेम हमें पूरे प्रोसेस के दौरान लो रखनी है, तो लो फ्लेम पर हम अपनी कढ़ाई या पैन प्लेस कर देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कुकवेयर है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे, बिल्कुल 2 चम्मच से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये जस्ट हमने डाल दिया। अब ये जब हल्का सा हीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें हमारा जो मिल्क है वो ऐड कर देंगे। अब मिल्क को हम हल्का सा उबाल आने तक इसमें कुक करेंगे। जैसे ही मिल्क हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा और घी के अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी शुगर इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। हमें किसी भी तरह की शुगर की चाशनी या शुगर का पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो शुगर हम घर में यूज़ करते हैं वो शुगर हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, और इसको अब हम घुलने तक वेट करेंगे। जब शुगर घुल जाएगी तब हम अपना अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो बस आप देख सकते हैं इसी तरह से इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, अदरवाइज ये जल सकता है। अब बारी आती है मिल्क पाउडर की, तो थोड़ा थोड़ा कर मिल्क पाउडर आप ऐड करो। जो भी लम्स इसमें बन रहे हैं वो आप साथ के साथ स्पैचुला से मिटाते जाओ, उनको तोड़ते जाओ, हमें किसी भी तरह का लम्प इसमें नहीं चाहिए। और ये गाइस बहुत ही जल्दी कुक होके एक खोआ जो हमारा होता है नॉर्मल जो मलाई वाला, उसके फॉर्म में आ जाएगा। इसे कुक होने में मैक्स 3 मिनट लगे हैं, और अब हम डालेंगे इसमें हमारा कोको पाउडर। तो 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें, आप क्वांटिटी देख सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और बस अब ये जो कोको पाउडर हमने डाला है इसको भी हम अपना मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो कोको पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे मिल्क पाउडर के मिक्सचर में। और ये जब अपने आप कुक हो जाएगा तब ये पैन छोड़ने लगेगा और बहुत ही क्रीमी सा टेक्स्चर आपको दिखेगा। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसको आप जस्ट इस तरह से स्पैचुला से दबा दबा के मिक्स करते जाओ, ताकि पूरा जो हमारा मिक्सचर है उसमें कोको पाउडर का फ्लेवर आ जाए अच्छे से। इसको हम स्पैचुला से इस तरह से दबाते भी जाएंगे ताकि अगर कोई लम्प्स रह गए हों तो वो मिट जाए। और आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से कुक हो चुका है, इसने पूरा पैन अच्छे से छोड़ दिया, एक बॉल के शेप में आ रहा है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब इसको जल्दी ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए,
इस प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम इससे मोदक बनाएंगे। इसको इस तरह से प्लेट में जो है वो स्प्रेड कर दो आप, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। एकदम ठंडा नहीं करना है, जस्ट इतना कि हम इसको अपने फिंगर्स से छू सकें। तो ये देखिए गाइस, मिक्सचर हमारा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको आसानी से टच कर पा रही हूँ अपने हाथ से। तो बस अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मोदक का मोल्ड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और जो येलो वाला बोल है उसमें हमने लिया है घी इसको ग्रीस करने के लिए। तो इसको कर लेते हैं ओपन, और इसको हम थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हर मोदक बनाने के लिए आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कर लो, उसके बाद आपके 4-5 मोदक बड़े आराम से बन जाएंगे। फिर आपको लगे तो फिर ग्रीस कर लो। तो ये देखिए, ये हमने ग्रीस कर लिया, अब इसको कर देंगे बंद। और थोड़ा सा जो हमारा मिक्सचर है वो हम लेंगे और उसको इस मोल्ड के अंदर डालेंगे, और इसको हम डालने के बाद अच्छे से प्रेस कर देंगे फिंगर्स से, ताकि जो हमारा मोदक है वो अच्छे सा एक शेप ले पाए। और इसको हम अच्छे से प्रेस करके इस तरह से बीच में थोड़ी जगह बनाएंगे, जहाँ पर हम हमारा जो आलमंड का जो पीस हमने लिया है फिलिंग के लिए वो डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है, आप ना चाहो तो आप बिना फिलिंग के भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और बस अब थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसको ऊपर से सील कर देंगे। और गाइज, मेरे हाथ थोड़े चिपचिपा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया अपनी फिंगर्स पे। इसके बाद आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको दबा दें और एक्स्ट्रा जो भी आपको लग रहा है वो हटा दें। और बस ये देखिए, अब हमारा जो मोदक है वो बहुत ही इजीली बन के तैयार हो गया है। अब इसको जब हम डीमोल्ड करोगे ना, तो एकदम धीरे से और आराम से आपको इसको डीमोल्ड करना है, क्योंकि मिक्सचर हमारा अभी गीला है, हल्का हल्का गर्म है। तो अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मोदक का शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसको अब हम यहाँ साइड में प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से आपको सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेने हैं। दूसरा मोदक भी हम इसी तरह बनाएंगे। हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया इसको मोल्ड को, और बाकी जो हमारा मिक्सचर है वो भरेंगे, फिलिंग डालेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए उसको डीमोल्ड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके बच्चे को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है, आप आलमंड की जगह वो इसमें फिल कर सकते हो। और अगर आपको मिक्स ड्राई फ्रूट फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सारे ड्राई फ्रूट्स को आप बारीक बारीक चॉप कर लो, उसमें हल्का सा मिल्क डाल दो ताकि वो बाइंड हो जाए। दोस्तों, ये थी इजी एंड सिंपल मोदक की रेसिपी। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाइए किचन में और बनाइए ये सुपर इजी, सुपर डिलीशियस चॉकलेट मोदक। और इसके अंदर जो हमने फिलिंग की थी आलमंड्स की, उससे इसको एक बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर मिलेगा। तो आपके बच्चे अगर जो भी ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं, आप उस ड्राई फ्रूट की फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, देन डू सपोर्ट अस एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, अदरवाइज आपको इस चैनल के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है गाइज, देन डू फॉलो अस इन इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आपको इस चैनल के क्विक अपडेट्स वहां से मिल पाए। तो चलिए गाइज, अब इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉमी स्प्राइट।